तो एक बार फिर आप सभी का स्टर्न टुडे न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आए हैं 38 पोंगयोंग मनाओपोय फेस्टिवल के ग्राउंड में, और यहाँ आके हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल देखा है SSG के, जो कि बर्डुमसा के महिला मंडल ने लगाया है। यहाँ में वो लोग ने खुद से अचार बना के, कैंडल्स बना के, और जो भी रीयूजेबल जो भी आइटम्स है, उसके बाद जो भी कैंडल्स है, वो उन सब का स्टॉल लगा है। तो आए हम उनसे उन सब आइटम्स के डिटेल्स जानते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें आप अपना इंट्रोडक्शन दी। मेरा नाम है निरंजय कुमार साहू, हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है CCRMS का, चांगलांग कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी का UOCB है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम कैपेसिटी बिल्डर। सो मतलब जितना भी SSGs है एंटायर बोर्डुमसा, तो बोर्डुमसा का हम लोगों ने नारकॉम ने आपका ये किया था, SSG फॉर्म किया था, तो उसी में से हम लोगों ने फेडरेशन बनाया, FPO बनाया, और उन सबको हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड किया। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड करने के बाद उन लोगों का जितना भी आइटम्स है, ठीक है, जैसे आपका पिकल हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गया, ये जैसे कि ये सैनिटरी पैड है, तो ये क्लॉथ मेड पैड है, ये रीयूजेबल भी है और आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और बायोडिग्रेडेबल है, और ये काफ़ी लो कॉस्ट है। मतलब इसको एक सैनिटरी पैड को आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने दूसरा यूनिट में हम लोगों ने पिकल का लगाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोर्क पिकल है, जैसे कि ये चिकन पिकल है, चिकन पिकल विथ यहाँ का जो लोकल फ्लेवर है, जैसे मैजेंगा लेब्स हो गया, वाइल्ड बेसिल हो गया, वो सब हम लोगों ने इसमें मॉडर्नाइज किया है। जैसे कि मतलब आपका ट्रेडिशन ही है, ट्रेडिशनल को ही हम लोगों ने उसको मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा मॉडर्न कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पोर्क पिकल है, फिर ये आपका मैंगो पिकल है, फिर ये आपका बैम्बू शूट पिकल है, फिर ये हो गया पिकल यूनिट का, उसी हिसाब से ये है आपका सैनिटरी पैड यूनिट का है, और उसी हिसाब से ये है हम लोगों का चिप्स बनाने का यूनिट का, जैसे कि ये टेपियोका चिप्स है, फिर ये भी टेपियोका है, बनाना चिप्स भी है, और काफ़ी तरह के चिप्स बनता है, लड्डू भी बनता है, और आपका ये क्या बोलते हैं, राइस स्टिक बनता है, राइस पाउडर का लड्डू बनता है, वो सब भी बनता है, चाय पत्ती भी। तो सर, आज से मतलब आप लोग का जो स्टॉल लगाया हुआ वो 3 दिन हो चुका है। हाँ। तो इन 3 दिनों में आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अमाउंट का सेल हुआ है? अभी पूरा एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाएगा, फिर भी हम लोगों का होप है कि एटलीस्ट 20+ तो हम लोगों का सेल हुआ होगा, जितना भी मतलब जितना लोगों ने ख़रीदा है या फिर जितना देर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उतना देर में तो एटलीस्ट इतना तक तो है कि एटलीस्ट 20,000 के ऊपर में ही सेल हुआ होगा अभी तक। थैंक यू सर। तो सर, जो आप लोग का प्रोडक्ट्स है, मतलब उसका फीडबैक आप लोग को कैसा मिलता है? फीडबैक देखिए, हम लोग जैसे किसी स्टॉल में दिया प्रोडक्ट को, किसी स्टॉल में दिया है, जैसे मेओ में हम लोगों ने एक किसी वेंडर को हम लोगों ने दिया है, जो ख़रीदा है हम लोगों से सामान, तो उसको हम लोग कंटिन्यूस उससे हम लोग फ़ोन में कांटेक्ट करते रहता है, या फिर हम लोग फिज़िकली भी विज़िट करता है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो कस्टमर्स है वो लोगों का क्या डिमांड है। मतलब जैसे अभी पिकल हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिकल हो गया, पिकल में आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और क्या फ्लेवर चाहिए, और उसका सेल्फ लाइफ कैसा है, और उसको खा के टेस्ट लग रहा है कि नहीं, और मतलब और उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, तो उसी को बेस करके हम लोग जो भी हम लोग का स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है, उसके बाद हम लोग और फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं, कि मान लीजिए अभी सेल्फ लाइफ अगर कम है, इन केस अगर सेल्फ लाइफ कम है तो किस जगह पे होता है, किस वजह से वो सेल्फ लाइफ हम लोग वो ऑप्टिमम वाला नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसको हम लोग एनालिसिस करने के बाद उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो सब लोग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी चिप्स का हो गया, चिप्स में अभी स्पाइसेस वाला ज़्यादा चलता है, तो
किस टाइप का स्पाइसेस डालने से ज़्यादा होगा? ज़्यादा स्पाइसी होने से लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कम स्पाइसी होने से ज़्यादा अच्छा लगेगा ना सॉल्टी होने से ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो वो एक कंज्यूमर का फीडबैक रहता है और वो फीडबैक के ऊपर एनालिसिस करके हम लोग इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सर, ये जो आप लोग का प्रोडक्ट्स का अपना अपना यूनिट होता है जैसे आपने बताया, तो मतलब पूरा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट है? पूरे चांगलांग में हम लोगों का 26 यूनिट है और 26 यूनिट्स में से आपका मोस्टली 90% अभी शुरू हो गया है और 2-3 यूनिट है, जैसे बैम्बू क्राफ्ट का यूनिट है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है अभी, तो वो जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा तो वो भी मार्केट में आ जाएगा। जी सर, तो वो यूनिट्स कौन कौन से जगह में है वो बता सकेंगे? यूनिट अभी बोर्डुमसा में 6 यूनिट्स हैं, फिर आपका जयरामपुर में है, खारसांग में है, नामफाई में है, न्यू यांचुम विलेज में है, फिर चांगलांग में आपका न्यू चांगलांग ओल्ड चांगलांग दोनों जगह में है, फिर दायुन में भी है। थैंक यू सर।